करनाल। तो चलिए आज एक और लैंडस्केप मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ग्राउंड आपके लिए पहले प्रिपेयर कर रखी है, ताकि हमारा जो टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से सीख सकें। ऊपर लेमन येलो वाइट का ग्राउंड है, यहाँ पे कुछ क्रिम्सन कलर मैंने प्लस किया है, यहाँ पर वाइट और लेमन येलो, और यहाँ पर भी क्रिम्सन का कुछ इफेक्ट दिया है, नीचे स्काई ब्लू प्लस थोड़ा सा ग्रीन मैंने प्लस किया है। तो ग्राउंड इसलिए मैंने बना दिया पहले ताकि आप लोग जल्दी से सीख सकें और हमारा जो है लैंडस्केप जल्दी पूरा हो और आपको जो है बड़ी वीडियो देख कर बोरियत हासिल ना हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम जो है यहाँ पर एक जो है बड़ा सा सन या आप चांद बनाएं, सन या मून कुछ भी आप लगाएं इसको, कि जब बहुत शाम हो जाती है तो मून भी बड़ा बड़ा दिखाई देता है, और हम इसको इतना ऑलमोस्ट इतना बड़ा करते हैं, ये देखिए आप। और इसके साथ में हम हल्का सा कहीं पे ब्राउनिश टच या थोड़ा सा ग्रेइश टच भी देते हैं, जैसे मून के अंदर होता है वैसे हमने इसके अंदर जो है थोड़ा सा टच प्लस किया इस तरह से। और अब इसमें थोड़े से हम क्लाउड्स का इफेक्ट भी डाल देते हैं, तो क्लाउड्स करते हैं साथ में। मैं थोड़ा सा ऑरेंज ले रहा हूँ यहाँ पर और क्रॉस करता हुआ, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्लू का टच मिक्स कर रहा हूँ। डेकोरेटिव पेंटिंग जितनी भी हैं आप उसमें कलर जो है कॉम्बिनेशन कोई भी लें, लेकिन अच्छे लगने चाहिए और आपके जो है कलर जो है निखर के आए तो ज़्यादा अच्छा है। पोस्टर कलर का यूज़ करेंगे और साथ साथ आप बनाते जाएंगे। यहाँ पर मैंने जो है क्रिम्सन प्लस थोड़ा सा वाइट मिक्स किया है, और आप देखें इसका लुक। जल्दी से आपको जो है मैं पेंटिंग बता देना चाहता हूँ ताकि आपका जो टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी जल्दी सीख सकें। बहुत लंबी वीडियो मैं इसीलिए नहीं बनाता आपके लिए कि आपको बोरियत ना हो और आप जल्दी से कुछ हासिल कर सकें, और छोटे छोटे टिप्स भी आपको अगर मिल जाते हैं तो आप उससे जो है अपने जो है प्रैक्टिकल दे सकते हैं +1 +2 का, या फिर आप अपने घर में जो है डेकोरेटिव पेंटिंग बना के लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने काफ़ी हिस्सा चांद का कवर कर दिया, और नीचे फिर से मैं थोड़ा सा क्रिम्सन और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा येलो टच किया, ये देखिए। और इस एरिया में जो है आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा नाइफ का यूज़ करते हैं। आप नाइफ ना हो तो आप प्लास्टिक का स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, और ये देखिए मैं यहाँ पर नाइफ का यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लेमन येलो ब्राउन का यूज़ किया है, और इस तरह से, और नीचे हल्का सा हम ब्लैक का टच लेते हैं इस तरह से। और ये देखिए आपके यहाँ पे हमने एक छोटा सा एज क्रिएट कर दिया। उसके बाद हम सीधा नीचे जाके एक एज बनाते हैं, और यहाँ पर भी इसके ऊपर हम लेमन येलो प्लस करते हैं, और थोड़ा सा कहीं पे हम ऑरेंज को प्लस कर लेते हैं, और इस तरह से आप हार्ड जो है नाइफ लगाते हुए इसको इस तरह बनाएंगे। अब आपके पास जो है नाइफ का वर्क भी हो गया है, और साथ में आपका वाटर सेक्शन हम करते हैं। हम हल्का हल्का हम यहाँ पर वाटर सेक्शन में थोड़ा सा ऑरेंज थोड़ा सा वाइट मिक्स कर रहे हैं। डेकोरेटिव पेंटिंग जितनी भी होती हैं आप उसमें कलर चूज अपनी मर्जी से कर सकते हैं, आपको जो अच्छे लगते हैं कलर आप डाल सकते हैं। आपको जितना भी जो है डेकोरेटिव कलर लगाना है आप लगाएं। आपको चाहिए कि कुछ कलर और ब्राइटनेस लेने के लिए आप अपनी मर्जी के कलर चूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। और इस तरह से आप देखिए मैंने वाटर सेक्शन भी लगा दिया नीचे यहाँ पे। अब मैं थोड़े से बुश यहाँ पे बना रहा हूँ, क्योंकि पीछे हमारे पास जो है काफ़ी डार्क सेक्शन है, तो यहाँ पे मैंने आप देखें छोटे छोटे बुश बना दिए, तो प्लांट्स के लुक में ही है ये यहाँ पे आप देखें। और यहाँ पर भी मैं इसी तरह से प्लांट्स की लुक में बुश बना देता हूँ।
या अब हमारे पास ऑलमोस्ट जो है एरिया बन चुका है काम करने के लिए, और हम अब सीधा ही ट्री बनाने जा रहे हैं। तो ट्री बनाने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से फ्लैट ब्रश से आप करें, चाहे आप राउंड से करें, वो आपकी इच्छा है। तो मैंने फ्लैट से किया, अब मैं आपको राउंड से भी थोड़ा सा टच करके दिखा देता हूँ इस तरह से। और हम थोड़ा सा हिस्सा जो है इसके ऊपर लेते हैं, चांद के ऊपर, और जहाँ मून का हिस्सा उसके ऊपर कुछ ब्रांचेस, और ये थोड़ा सा थिक करते हैं पेड़ को यहाँ पर, और फिर से दोबारा से एक ब्रांच और यहाँ से निकालते हुए इधर, और फिर कुछ हिस्सा हम इधर को भी ऐसे ले जाते हैं, और यहाँ पर हम थोड़ा सा थिक करते हैं क्योंकि पेड़ थोड़ा हमें बड़ा करना है, इसलिए हम कुछ ब्रांचेस की इसके ऊपर इस तरह से लेते हैं, और ऊपर भी इसी तरह से निकल जाते हैं इस तरह से। यहाँ पर हम छोटा सा एक पेड़ और बनाना चाहें बना सकते हैं, यहाँ पर भी हम एक बुश या एक बड़ा ट्री यहाँ तक ले लेते हैं। और अब हम जो है टचिंग लगाते हैं इसके ऊपर, और देखें आप इसका खूबसूरती। यहाँ पर मैं सीधा ही टच कर रहा हूँ ब्रश के साथ ही, और इस तरह से आप जो है बनाएं इसको, देखिए, और हल्का सा आप जो है हम डार्क कलर भी बीच में प्लस करें ताकि जो है इसकी खूबसूरती बनी रहे। और आगे ऊपर जो है हम टच कर रहे हैं जो कलर, वो उसमें हम जो है ऑरेंज प्लस थोड़ा सा हल्का सा मैं ब्लू भी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं डेकोरेटिव पेंटिंग है, तो आप इसमें कलर चूज़ करते वक्त आप कुछ भी जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप प्लस कर सकते हैं इसमें। देखिए मैंने वाइट भी इसमें थोड़ा सा प्लस किया है, और थोड़ा सा मैं इसमें मैजेंटा कलर को भी प्लस कर रहा हूँ। देखिए खूबसूरत ट्री हमारे पास बन गया, और इस तरह से हमने इसको जो है बनाया। अब हमारे पास जो स्पेस बचा है उसमें सिर्फ हम जो है और कुछ नहीं ऐड कर रहे, हम यहाँ पर कुछ पक्षी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ये देखिए बड़े ही स्मॉल स्मॉल से पक्षी आप बना दें यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर। थोड़े थिक फॉर्म में मैंने बनाए, आप बारीक भी बना सकते हैं इनको, लेकिन मैंने थोड़ा सा इनको थिक फॉर्म में बनाया इस तरह से। और जब आपका ये एरिया भी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप बस सब फाइनल टचिंग के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आप क्लीन करें, और यहाँ नीचे इसके थोड़ा सा वाइट वाइट दे दें इस तरह से। तो देखिए अब आप चाहें तो इसकी जो है शेडो भी नीचे दिखा सकते हैं इस तरह से, और इसके ऊपर आप हल्का सा जो है ब्रश जो है कलर का वाइट कलर ले लें, और लेकिन ध्यान रखें कि आपके कलर में जो है पानी की मात्रा जो है कम होनी चाहिए, नहीं तो जो है आपका कलर फैल सकता है। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरह से देखिए हल्का हल्का बस छाया उसकी रहने दी है, और यहाँ पे एक बार फिर से इस तरह से प्लस कर देते हैं चीज़ें, थोड़ा सा और अच्छा लगता है। आप थोड़ा सा फिंगर से भी इसको टच कर दें, फिर से एक बार आप स्पेस क्रिएट करें, और इस तरह से आप जो है बुश का हल्की सी परछाई आप इसके अंदर देते हैं। तो देखिए आज मैंने आपको जो है एक जो है लैंडस्केप करवाया डेकोरेटिव लैंडस्केप, और कोई भी टफ चीज़ नहीं है इसमें, सब इजी है, तो आप बड़े आराम से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें हल्का हल्का यहाँ पर भी टच कर सकते हैं, और बीच में ब्रांचेस का लुक भी दे सकते हैं। आप चाहें तो ब्रश के हैंडल से भी इसमें जो है ब्रांचेस का लुक दे सकते हैं बैक हैंडल से, और ताकि पोस्टर कलर अभी टफ जो है होता है, लेकिन अभी आप देखो इसका लुक देखिए। और मैं अब इसकी जो है आपको टेप रिमूव करके दिखाता हूँ इसका लुक। अब बड़े धीरे से जो है इसकी टेप को जो है रिमूव करें इस तरह से, और जितना भी वाइट पार्ट आपको नज़र आएगा उसमें जो है आपको बॉर्डर नज़र आएगा इसमें, तो इससे जो है इसका लुक आपको क्लियर देखने को मिलेगा।
आप देखें रिमूव कर दें टेप, धीरे धीरे सारी टेप रिमूव करेंगे इस तरह से, और ये देखिए अब आप जो है टेप रिमूव करते हैं इसका लुक चेंज हो जाता है, और अब आपको ये पूरा लैंडस्केप देखने को मिलेगा। आप जल्दी जो है टेप को बड़े आराम से रिमूव करें ताकि जो है कहीं भी कोई डैमेज ना हो पेंटिंग। अब आप इसका लुक देख सकते हैं, और एक खूबसूरत पेंटिंग आज मैंने आपको बताई है। इसी तरह से एक और लैंडस्केप करते हैं, और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब का जो है रेड बटन दबाकर आप बेल आइकॉन को भी दबाएं, और इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहें और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।